वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे न्यू प्रोडक्ट्स के रिव्यूज आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च होता है मैं उन्हें कुछ टाइम के लिए यूज करती हूँ, ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैं अपने चैनल पे न्यू प्रोडक्ट्स के रिव्यूज आप लोग के साथ में शेयर करती ही रहती हूँ। तो मैं उन्हें कुछ टाइम यूज करती हूँ एंड उसके बाद ही रिव्यू आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो मेरा जो रिव्यू होता है वो बिल्कुल हॉनेस्ट होता है, क्योंकि इन प्रोडक्ट को मैं अपनी स्किन पे यूज करके देखती हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं होता है। जो भी प्रोडक्ट्स मैं परचेज करती हूँ वो खुद के पैसों से परचेज करती हूँ और जो रिव्यू है वो बिल्कुल ऑनेस्टली तरीके से ही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो फॉक्सटेल के ये न्यूली लॉन्च क्लींजर के बारे में होने वाला है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखिए, तो आप पैकेजिंग देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छी सी इसकी पैकेजिंग आती है। और इसके जो डुएट क्लींजर जो आता है बिल्कुल वैसी ही इसकी पैकेजिंग है, बस कलर का डिफरेंस है। यहाँ पे आपको क्यूट सी पिंक कलर की बॉटल मिलती है, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है गाइज। आप इसकी पैकेजिंग ही देखिए ना, पैकेजिंग से ही आप इसके फैन हो जाएंगे, इतनी ज्यादा अच्छी इसकी पैकेजिंग है। ये सिर्फ पंप बॉटल में आता है जो कि काफी ज्यादा अच्छा होता है और ट्रैवल फ्रेंडली हो जाता है। अगर आप इसे कैरी करके ले जाना चाहते हैं तो आप इजिली इसे कैरी करके कहीं भी आप अपने साथ इसे ले जा सकते हैं। और ये पंप पैकेजिंग के साथ में आता है, तो आप इसे पंप करेंगे तभी ये प्रोडक्ट निकलेगा बाहर, बाकी आप इसे क्लोज करके रखेंगे तो बिल्कुल भी प्रोडक्ट लीक होने के तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो हमने बात कर ली इसकी पैकेजिंग के बारे में और हम बात करते हैं इसकी प्राइस एंड क्वांटिटी के बारे में। तो इसकी जो प्राइस है वो है 349 रुपीज। प्राइस बिल्कुल ही सेम है इसके डुएट क्लींजर की तरह, बिल्कुल इसकी प्राइस ना सेम ही है। और इसकी क्वांटिटी जो आती है वो 100 ml की आती है। 100 ml की आपको क्वांटिटी मिलती है इसमें। देखने से होता है ऐसा नहीं लगता है कि 100 ml की क्वांटिटी है, लगता है कि इसमें काफी ज्यादा मतलब क्वांटिटी होगी, लेकिन नहीं, इसमें सिर्फ 100 ml की ही क्वांटिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। जो कि मुझे कार्डर की क्वांटिटी मिल रही है वो आपको 100 ml की क्वांटिटी मिल रही है और प्राइस है इसकी 349 रुपीज। तो उसके अकॉर्डिंग मैं कहूंगी कि थोड़ी सी ना कम क्वांटिटी आप लोगों को मिल रही है प्राइस के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट हमें इसमें ना 150 ml एटलीस्ट मिलना चाहिए प्राइस के अकॉर्डिंग, तो वो काफी ज्यादा सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग को 100 ml की ही क्वांटिटी मिल रही है। सेम इसके डुएट क्लींजर में भी सेम ही है, आपको 100 ml की ही क्वांटिटी मिलती है और प्राइस भी बिल्कुल सेम है, 349 रुपीज इनकी जो है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस की, प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म करता है स्किन पे, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, हम लोग को क्या इसका डिफरेंस देखने को मिला है। जैसे ये भी ना डुएट क्लींजर की तरह इसमें भी आप लोग को 2 बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वीकडे क्लींजर प्लस वीकेंड फेस मास्क है ये। तो आप इसे क्लींजर की तरह तो यूज कर ही सकते हैं और आप इसे ना वीकेंड में आप इसे एज अ फेस मास्क भी यूज कर सकते हैं। तो इसका क्या डिफरेंस है, क्या आप लोग को रिजल्ट इसमें देखने को मिलता है और ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है या फिर नहीं है। तो इसमें काफी चीजें क्लेम की गई है, द ब्राइट साइड प्योरीफाई एंड ग्लो क्लींजर है ये, और आप इसे क्लींजर की तरह यूज कर सकते हैं एंड वीकेंड में आप इसे फेस मास्क की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है या फिर नहीं है, आप इसे फेस क्लींजर की तरह ही यूज करें या फिर फेस मास्क की तरह, तो सभी चीजें मैं इस वीडियो में आप लोग साथ में शेयर करने वाली। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक से जरूर देखिएगा, सभी चीजें मैं आप लोग साथ में शेयर करने वाली। तो सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें मेंशन की गई है, क्या क्या ये प्रोडक्ट क्लेम करता है। तो सबसे पहले क्लींस स्किन ऑफ डर्ट फ्रॉम पोर्स, मास्क रिवील्स क्लियर ग्लोइंग स्किन। ठीक है, जो आप ऐसा मास्क इसे जब यूज करेंगे तो आपकी स्किन को काफी ज्यादा क्लियर एंड ग्लोइंग बनाएगा। जब आप इसे एज अ क्लींजर यूज करेंगे तो आपकी स्किन से डर्ट को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को क्लीन करेगा, आपके पोर्स से जितने भी डर्ट है उसको ये रिमूव करेगा, इसमें ऐसा मतलब क्लेम किया हुआ है। और इसमें है इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है फ्रेंच पिंक क्ले प्लस सोडियम PCA, इसका जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है। बाकी आप इसे नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं, ये ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है आई गेस, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मेंशन किया हुआ है कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरी जो स्किन है वो है कॉम्बिनेशन स्किन, तब भी मैं इसे यूज करती हूँ और मुझे एज सच कोई अभी तक इसे में इश्यू देखने को नहीं मिला। इसे मुझे यूज करते हुए 10 डेज हो गया, 10 डेज से मैं इसे यूज कर रही हूँ एंड मेरी स्किन में कोई भी ऐसे प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिला है मुझे। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है तब आपके लिए ये ज्यादा बेटर वर्क करेगा आई थिंक, क्योंकि इसमें मेंशन किया हुआ है। तो हो सकता है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपकी स्किन से डर्ट इम्प्योरिटीज को निकालने में ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा अच्छे से ये वर्क कर पाएगा। तो इसके लिए आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं ये भी इसमें मेंशन किया हुआ है। आपको एज अ मास्क यूज करने के लिए इसे 2 to 3 pump आपको लेना है एंड आपको अपनी स्किन पे अच्छे से इसे अप्लाई कर लेना है एंड आपको एटलीस्ट 5 to 6 minutes के लिए वेट करना है एंड उसके बाद आपको अच्छे से फेस को क्लीन कर लेना है, फेस को वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर के हेल्प से। तो आप इसे कुछ इस तरीके से फेस मास्क की तरह यूज कर सकते हैं और फॉर बेस्ट रिजल्ट 2 to 3 times आप
यूज कर सकते हैं वीक में। और इसमें एज अ क्लींजर के लिए ये मेंशन किया हुआ है कि टेक वन पंप एंड लेदर ऑन द डैम फेस, मसाज जेंटली विद वाटर टू राइज ऑफ, यूज डेली इन मॉर्निंग एंड नाइट फॉर बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, फेस क्लींजर की तरह यूज करने के लिए आपको इसका वन पंप चाहिए और उससे ही आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। और बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसे डेली यूज करिए मॉर्निंग में एंड नाइट पे, तब आपको ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। आप इस क्लींजर को 2-in-1 की तरह यूज कर पाएंगे एज अ क्लींजर और एज अ फेस मास्क। तो मैंने इसे कैसे यूज किया है वो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में जो भी डिटेल्स थी, प्रोडक्ट में जो भी चीजें मेंशन की गई थी, वो सारी चीजों को ऑलरेडी मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दिया। तो अब बारी है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में आप लोग के साथ में शेयर करूँ। आप लोगों को कुछ इस तरीके की ऑर्डर बॉक्स में रिसीव होता है, कार्डबोर्ड की ऑर्डर बॉक्स आप लोगों को देखने को मिलती है और इसमें भी काफी सारी चीजें मेंशन की गई है। जो चीजें इसमें मेंशन की गई है सेम इस पे भी मेंशन की गई है और इसमें कुछ चीजें और भी मेंशन की गई है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने ये चीज नोटिस ही नहीं की थी कि इसके ऑर्डर बॉक्स में भी काफी सारी चीजें मेंशन की गई है। इस क्लींजर का जो पीएच है वो पीएच 6 से पीएच 6 to 6.5 तक है और वीगन है, क्लैरिटी फ्री है, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है ये क्लींजर। तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है हम सब यूजर्स के लिए, क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो तो उसमें आप लोगों को ये चेक करना ही चाहिए कि उसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल तो नहीं है। सबसे पहले मैंने इसे फेस क्लींजर की तरह यूज किया है एंड ये मेरी फेस डर्ट को काफी अच्छे से रिमूव कर देता है। इवन थोड़ा बहुत अगर आपके फेस में मेकअप है तो उसे भी ये काफी अच्छे से रिमूव कर देता है। मैं बात करूं रिजल्ट की तो आप लोगों को एटलीस्ट 1 week का वेट करना पड़ेगा इसके रिजल्ट के लिए, क्योंकि आप जैसे ही इसे यूज करना स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपको इंस्टेंटली रिजल्ट तो देखने को नहीं मिलेगा। आप इसे कंटिन्यू यूज करते जाएंगे वैसे ही आपको इसका रिजल्ट जो है वो पता चलते जाएगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करते हैं और हम सोचते हैं कि हमको जो रिजल्ट है वो तुरंत इंस्टेंट देखने लगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 week तक आप इसे यूज करेंगे तो ही आप लोगों को जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। आपकी जो स्किन है वो क्लियर होगी, इवन आउट होगी और थोड़ा बहुत आपके स्किन पे ग्लो भी आएगा, लेकिन ये क्लींजर एज अ क्लींजर की तरह यूज करने से आएगा। मैंने इसे फेस मास्क की तरह 2 times यूज किया है। मैंने जिसकी आप लोगों के साथ शेयर किया कि इसे यूज करते हुए मुझे 10 days हो गए हैं, तो इन 10 days में मैंने इसे 2 times एज अ फेस मास्क की तरह भी यूज किया है। लेकिन फेस मास्क की तरह यूज करने में एज सच मुझे कुछ उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। अगर आप ओवर फेस वॉश का यूज करेंगे या फिर फेस क्लींजर का, तो आपको पता ही होगा कि वो जल्दी इजिली रिमूव नहीं होता है, काफी ज्यादा स्टिकी सा फील होता है और रिमूव करना बिल्कुल ना इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा लेदर उसमें क्रिएट होने लगता है। तो इसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। नहीं पता कि मैंने ज्यादा क्वांटिटी इसकी अप्लाई कर रही थी या फिर नहीं, तो ये तो मैं आप लोगों के साथ में डेमो भी इसका शेयर करूंगी कि आपको एज अ फेस मास्क इसे कैसे यूज करना है और फेस मास्क की तरह यूज करने के बाद आप लोगों को कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है, तो ये आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इसका डेमो देने वाली हूँ कि आप इसे फेस मास्क की तरह कैसे यूज करेंगे एंड इसको क्लीन करके भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इस बार जो फेस क्लींजर की तरह आप इसे जब यूज करेंगे तो आपके फेस को ना ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देगा और आपको बिल्कुल भी ऐसा हैवी फील नहीं होगा या फिर स्टिकी फील नहीं होगा। जब आप इसे एज अ फेस मास्क की तरह यूज करेंगे तो हो सकता है आपको ये थोड़ा सा स्टिकी फील हो, क्योंकि आप इसका थिक लेयर अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है। बाकी मुझे एज अ क्लींजर ये काफी ज्यादा अच्छा लगा है, एज अ फेस मास्क मुझे उतना ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा है, लेकिन फिर भी मैं इसे यूज करती रहूंगी, हो सकता है कि इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिले। और बात करूं इसे एज अ फेस मास्क यूज करने के बाद का रिजल्ट, तो इसे एज अ फेस मास्क यूज करने के बाद तो मेरी जो स्किन है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स हम इसकी जो थिक लेयर अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो हमारी स्किन है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट तो फील होगी ही। फेस मास्क यूज करने के बाद जब आप अपना मेकअप करेंगे तो आप लोगों को एक फ्लॉलेस बेस मिलेगा, लेकिन एज सच कोई ग्लोइंग रिजल्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी मैंने इसे 2 times ही यूज किया, तो मुझे कुछ इतना ज्यादा खास इसका रिफरेंस देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि मैं आगे यूज करूं तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिले, क्योंकि मेरी स्किन पे अभी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा हो, लेकिन अभी फिलहाल मुझे कोई भी इसे ऐसा फेस मास्क यूज करने के बाद कोई अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। एंड उल्टा ये हुआ मेरे साथ कि इसे ऐसा फेस मास्क यूज करने के बाद मेरी जो स्किन से है वो फेस मास्क तो रिमूव ही नहीं हो रहा था अच्छे से और काफी ज्यादा लेदर क्रिएट हो जा रहा था, तो बस ऐसा लग रहा था कि आप अपने फेस को वॉश करते जाओ। तो ये काफी ज्यादा मुझे ना मतलब कंफर्टेबल नहीं लगा, क्योंकि फेस मास्क जब हमारे मतलब बिल्कुल ना जेल लगे बैठ जाता है स्किन पे, तो इसे रिमूव करने में बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी आप लोगों के साथ मैं डेमो शेयर कर दूंगी, तो उसमें आप देख लीजिएगा बिल्कुल कि आप लोगों को इसे एज अ फेस मास्क कैसे यूज करना है। एज अ क्लींजर तो काफी ज्यादा सिंपल है,
जैसे कि आप अपना नॉर्मल फेस वॉश यूज करते हैं, नॉर्मल क्लींजर यूज करते हैं, उसी तरीके से आप इसे एज अ क्लींजर यूज कर पाएंगे। फेस मास्क के लिए आप लोगों को थिक कंसिस्टेंसी आप लोग को अप्लाई करनी पड़ेगी ओवरऑल अपने फेस पे। आई होप कि जो वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे और भी वीडियोस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है वो भी प्लान कर रहे हो इस क्लींजर को परचेज करने का, क्योंकि इसमें आप लोगों को देख के काफी ज्यादा ये अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि आप इसे क्लींजर की तरह भी यूज कर पाएंगे एंड फेस मास्क की तरह भी। थिंकिंग ऑफ यू।